हेलो पोस्टर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट आवर मैथ्स पीरियड. वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कबुक नाउ. ओके, चैप्टर नंबर दैट इज फ्रैक्शन. ये अपना रिवीजन भी है और वर्कबुक सॉल्विंग भी है ना. सो ये है हाफ. दिस इज द होल सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड द हाफ सर्कल. Half means when a object is divided into two part, two equal parts. Half means what? This is one object, whole object. When we divide this object into two parts, each part is called a half part. It is written as 1/2. That means out of two parts, two parts say out of two one part. One half or 1/2. Okay. The second one is this is the whole part. When this object is divided into four equal parts, 1, 2, 3, 4. Okay, then object is divided into four equal parts. Each part is called the quarter. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. That means there are 4 quarters. Out of 4 quarters, 1 quarter is colored here. So this one part, each part is called the quarter. और ये हम लोग कैसे लिखते हैं? It is written as 1/4. That is 1/4 or 1/4 or 1/4. ओके, थर्ड कंसेप्ट. थर्ड वन इज दिस इज द होल ऑब्जेक्ट. व्हेन दिस होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ दिस फोर पार्ट्स थ्री इक्वल पार्ट्स. हाँ, थ्री आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स मीन्स थ्री क्वार्टर. अभी देखो, थ्री क्वार्टर्स को कलर किया है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द थ्री क्वार्टर. टू क्वार्टर्स मीन्स हाफ. देखो, अभी ये टू क्वार्टर्स कलर करेंगे तो टू क्वार्टर मीन्स हाफ, वन मीन्स 1/4 एंड थ्री दिस इज द 3/4. और ये कैसे दिखते हैं हम लोग? 3/4, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स कलर के हैं. और ये हम लोग कैसे पढ़ते हैं? रिमेंबर, 4/3/4 या फिर 3/4. ओके, दीज आर द फ्रैक्शंस. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट. फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो होल ऑब्जेक्ट है उसके कुछ पार्ट, देर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस. ओके, इन रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ होल ऑब्जेक्ट. दैट इज 1/2 मीन्स हाफ, 1/4 मीन्स क्वार्टर एंड 3/4 मीन्स 3/4. दीज आर द फ्रैक्शन. हम हियर थ्री इज, या फिर वो जो ऊपर है आउट लाइन के ऊपर जो है उनको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे उनको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. है ना मालूम? फ्रैक्शन में जो लाइन के ऊपर जो दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर और दिस पार्ट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. आपके वर्कबुक में ये सब दिया हुआ है, देखो. है ना, 3/4 में से 3 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर. ओके, अभी लुक हियर, सॉल्व दिस फ्रैक्शन. लुक हियर, ये कुछ चार्ट दिया है, आपके बुक में भी है. हियर कितना पार्ट कलर किया है? शेप 4, 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ 1 पार्ट इज कलर. तो ये कैसे लिखेंगे आप लोग? 1/4 और अनशेडेड पार्ट. अनशेडेड मतलब जिसको कलर नहीं किया है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ 3 पार्ट्स आर अनशेडेड. सो ये कैसे लिखेंगे? 3/4. अंडरस्टैंड? अभी देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट कितने हैं? 5. आउट ऑफ 5 2 पार्ट्स आर कलर. है ना, तो ये कैसे लिखते हैं? 2/5. और यहाँ पे अनकलर्ड कितना है? दैट इज आउट ऑफ 5 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर अनकलर्ड. है ना, तो ये कैसे लिखेंगे? दैट इज 3/5. ये तो मैंने तुम लोग का नोटबुक वर्कबुक में भी टेक्स्ट बुक में भी लिया है, तो आपको ये वर्कबुक कंप्लीट करने आएगा अभी. अभी नेक्स्ट वन हियर, ये कैसे लिखना है मालूम है ना? ये 2/5. इस तरह से वर्कबुक कंप्लीट करके मुझे भेजना है. अंडरस्टैंड? अभी ये भी लुक हियर, दीज आर द फ्रैक्शंस, राइट? व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर? तो मैंने अभी आपको बताया 7/11 है, इसमें से लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. सो टेल मी व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दिस फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज 7/11. सो हियर 7 इज द न्यूमरेटर एंड 11 इज अ डिनोमिनेटर. है ना, हियर 5/17 में 5 is the numerator and 17 is the denominator. Here 3 is the numerator and 13 is the denominator. Here also
सिक्स इज न्यूमरेटर एंड 15 इज डिनोमिनेटर. 7/9, 7 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर. 8/19, 8 इज न्यूमरेटर एंड 19 इज डिनोमिनेटर. ओके, हियर कलर द पार्ट टू शो द गिवन फ्रैक्शन. अभी देखो 4/7, दैट मीन्स व्हाट, कि 7 पार्ट में से 4 पार्ट को कलर करना है आपको, है ना. ये ऊपर क्या दिया है, 4, सो दैट मीन्स यू हैज टू कलर 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. ये जो 4 है इसको क्या करना है आपको, कलर करना है. अंडरस्टैंड, ईजी है. हियर 8/11, मतलब आउट ऑफ 11 पार्ट 8 पार्ट्स आर कलर्ड. 8 पार्ट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 पार्ट्स को, इतने पार्ट्स को कलर करो. ओके, ये भी इजी है. 5/9, आउट ऑफ 9 पार्ट 5 पार्ट्स यू हैव टू कलर इट. नाउ हियर दिस इज द क्लास वर्क ऑल्सो. हियर द सर्कल इज गिवन. हियर दिस सर्कल इज अ डिवाइडेड इंटू डैश इक्वल पार्ट्स. अब ये सर्कल के कितने पार्ट किए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, हाउ मेनी पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स. ओके, आउट ऑफ 5 ये 5 है. ओके, ईच पार्ट इज कॉल्ड द, अब एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर. क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर पार्ट. ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे ईच पार्ट एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज. अब ये कितना है, 1, 2, 3, कलर्ड पार्ट 3 है, 3/5. अब इधर को 3 शेडेड पार्ट्स मीन्स 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, दैट इज 3/5 या फिर 3×5. ये हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/5 भी लिख सकते हैं, 3/5. ओके, अंडरस्टैंड. इस तरह से आपको यहाँ पे भी वही करना है जो दिया इधर, 3×1/5. 3 times मतलब 3×1/5, 3 पार्ट्स को कलर करना है. 1, 2 and 3, 3×1/5, दैट इज 3/5. 5×1/5 मतलब इसमें से 5 पार्ट्स को कलर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, सो दैट मीन्स 5/6. हियर 7×1/8, ये कैसे पढ़ते हैं, 3×1/5, है ना. सो वैसे यहाँ पे 7×1/8, 7×1/8. सेवन टाइम 1/8 मतलब 7 पार्ट्स को कलर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो लिखेंगे 7/8. यह 2×1/3, 2/3, मतलब आउट ऑफ 3 2 पार्ट्स आर कलर. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस वन ऑल्सो. हाँ, एंड हियर कंप्लीट द टेबल. ये लिखने का एक टेबल, 4/5 मीन्स 4×1/5. 1/5 कितने टाइम है, 4 times, तो 1, 2, 3, 4. हियर 5×1/7, दैट मीन्स 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, दैट इज 5 times ऑफ 1/7. अंडरस्टैंड. हियर 5×1/7, लाइक दिस. फाइव पार्ट्स ऑफ 1/5. ओके, यू कंप्लीट दिस वन, दिस टेबल ऑल्सो. हियर इन 7/9, 7 इज कॉल्ड, 7 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 9 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. टू थर्ड एज अ फ्रैक्शन इज रिटन. टू थर्ड मतलब 2/3. इन फिगर
द कलर पार्ट एज अ एडिशन इज रिटन एज कलर पार्ट इज रिटन एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 एडिशन इज रिटन एज 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 बिकॉज 3 पार्ट्स आर कलर एंड एज अ मल्टीप्लीकेशन 3 × 1/7 ओके कलर पार्ट का ही लिखने का है बस आपको अंडरस्टैंड 5 × 1/11 मीन्स 5 × 1/11 मीन्स 5 × 1/11 दैट इज 5 × 11 ओके हियर 1/8 मीन्स 3 × 1/8 दैट इज 3/8 अंडरस्टैंड लाइक दिस यू कंप्लीट दिस वन एंड सेंड मी ऑन माई नंबर ये मिक्स फ्रैक्शन का भी है आपको ओके तो ये जो लेसन है जितना होता है उतना आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है ओके इससे आपकी रिवीजन भी होगी और वर्कबुक भी कंप्लीट होगा ओके ये देखो ये होल पार्ट है और ये हाफ है मिक्स फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग मिक्स्ड मतलब होल पार्ट भी एंड फ्रैक्शन भी हाँ इसको बोलते हैं 1 and 1/2 ये 1 and 1/4 2 and 1/2 1 and 3/4 ओके ये भी मैंने पढ़ाया था आपको ये कैसे पढ़ेंगे 1 and 1/2 ये कैसे रीड करेंगे 1 and 1/4 ये 2 and 1/2 लाइक दिस हियर यू हैव टू राइट दिस फिगर्स ऑल्सो लुक हियर ये देखो 2 होल फिगर है 2 + 1/4 ये 1/4 है 4 में से 1 पार्ट है सो ये कैसे लिखेंगे 2 1/4 ये पढ़ेंगे 2 and 1/4 ओके ये 1, 2, 3 तो ये कैसे लिखेंगे 3 + 1/4 1/4 पार्ट है ये सो ये लिखेंगे हम लोग 3 and 1/4 दैट इज और इधर लिखेंगे 3 and 1/4 क्वार्टर ओके हियर 3 फुल है प्लस 1/2 है ना दैट मीन्स 3 and 1/2 सो ये लिखेंगे 3 and 1/2 3 and 1/2 हियर 1, 2, 3 3 + 1/4 पार्ट है 4 में से 3 पार्ट्स है सॉरी 3/4 पार्ट्स दैट मीन्स 3 and 3/4 ओके सो ये कैसे लिखेंगे 3 and 3/4 समझ में मिक्स फ्रैक्शन मतलब जिसमें होल होल ऑब्जेक्ट भी रहता है और हाफ भी क्वार्टर भी और 3/4 भी ओके ये वर्ड्स में आपको लिखने आएगा 2 and 3/4 ये 2 and 3/4 ये 3 and 3/4 ये 11 and 1/2 1/2 मीन्स हाफ बोलते हैं उसको रिमेंबर हियर 3 and 3/4 9 and 1/2 8 and 1/4 1/4 मीन्स क्वार्टर ये भी वैसे लिखना है आपको 3 and 3/4 मतलब 3 and 3/4 ऐसे ओके 10 and 1/2 10 and 1/2 मतलब 1/2 ये जो लाइन है ना ये नंबर मिडल में होना चाहिए 8 and 8/4 मतलब 8 यहाँ पे लिखने का और बरोबर मिडल में लाइन होनी चाहिए क्वार्टर मीन्स 1/4 ओके हियर देखो 14 तो 14 यहाँ पे लिखना आपको देन मिडल में 14 है ये ओके लाइन इसे मिडल में आनी चाहिए हाफ हाफ मतलब 1/2 ये 7 and 1/4 7 and 1/4 मीन्स 1/4 हियर 11 and 3/4 3/4 ओके समझ में आया सबको इजी है तो ये वाला कंप्लीट करेंगे लेसन हाँ इधर भी आपको कलर करना है देखो ये स्किल ये तो आपको
ये देखो ये भी इजी है। इधर क्या करना है आपको, ये जो पार्ट दिए है उतने पार्ट कलर करना है। ये देखो थ्री एंड वन फोर, थ्री एंड मतलब ये पहले तीन फिगर है, वन टू थ्री फोर फिगर्स है, आउट ऑफ थ्री होल फिगर को कलर करना है। ये थ्री होल फिगर्स को कलर करना है ओके। एंड इधर वन फोर्थ, वन फोर्थ मतलब थर्ड फोर्थ जो फिगर है इसमें से बस एक ही पार्ट को कलर करना है, समझ में आया। इधर थ्री एंड हाफ, थ्री एंड मतलब पहले तीनों को पूरा कलर करना है, पूरा कलर। एंड इधर हाफ पार्ट, हाफ पार्ट मतलब वन अपॉन टू, समझ में आया। अंडरस्टैंड, ये तुम लोग को करना है घर पे ओके। ये तो क्वेश्चन ईयर है, ये क्या है इंसर्ट द सिम्बोल्स, ये सिंबल्स था तुम लोग का, फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें से ये इंसर्ट करना है आपको, रेफर द फिगर्स प्रीवियस पेज और ओके। दिस मच यू हैव टू कंप्लीट एंड सेंड मी ऑन माय नंबर।